मूवी शुरू होते ही हम एक अंधेरे कमरे में काफी सारा सामान बिखरा हुआ देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि तमारा नाम की लड़की उस सामान से विचक्राफ्ट यानी कि जादू टोने की तैयारी कर रही थी। इसके अगले सीन में हम तमारा को स्कूल में जाते हुए देखते हैं। तभी उसके पास इंग्लिश टीचर आता है और उसके साथ किस करते हुए काफी करीब आ जाता है और दोनों क्लास पर ही इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक तमारा की नींद खुल जाती है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी, क्योंकि जब क्लास पर टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो सो गई थी। इसके बाद तमारा के बिच क्राफ्ट बुक टेबल से नीचे गिर जाती है जिसे दूसरा स्टूडेंट उठाकर पढ़ने लगता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद तमारा का टीचर उसके पास आता है और उसके एथलीट पर लिखे हुए आर्टिकल की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका आर्टिकल न्यूज में भी आ गया है। लेकिन क्लास के बाकी सब स्टूडेंट तमारा से खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने भी आर्टिकल लिखा हुआ था और उनका आर्टिकल न्यूज पर नहीं आया था। उन सभी स्टूडेंट में से एक लड़की कीसा तमारा को धमकाने के लिए आती है, पर क्लोय नाम की दूसरी लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके बाद हम देख कि तमारा को दो लड़के सुन और पैट्रिक परेशान करने के लिए पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि तमारा उन दोनों को पसंद नहीं करती थी। तमारा उन दोनों से बचने के लिए टीचर बिल के पास आ जाती है। तमारा टीचर से बात करते हुए उससे काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। तभी बिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि बिल की शादी हो गई थी और उसकी वाइफ उस स्कूल में टीचर होती है। तमारा के घर आने पर उसके पिता उसे काफी ज्यादा ताने मारते थे क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। अगले दिन हम सुन पैट्रिक और कीसा को एक साथ देखते हैं जो कि तीनों तमारा के आर्टिकल न्यूज़पेपर पर आने से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, इसलिए वो तीनों उसे परेशान करने के लिए प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तमारा को रात में विचक्राफ्ट करते हुए देखते हैं ताकि उसके टीचर बिल का उसकी वाइफ से झगड़ा हो जाए और वो दोनों एक साथ दूसरे से रिलेशन तोड़कर अलग हो जाएं। तमारा विचक्राफ्ट के दौरान चाकू से हाथ काटकर खून चढ़ाने वाली होती है। तभी वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद तमारा अपने काले जादू को बीच में छोड़ देती है और वहाँ से उठकर सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि तमारा को सुन का कॉल आता है। सुन टीचर बिल की आवाज में कहता है कि आज उसकी वाइफ से झगड़ा हो गया है और वो उसके साथ ना रहकर उसके साथ रहना चाहता है। सुन तमारा से रात को होटल में पार्टी पर आने के लिए कहता है। तमारा ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि उसने जो कल रात जादू किया था वो काम कर गया है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब उसके क्लासमेट ने प्लान किया हुआ है। रात होने के बाद तमारा होटल पहुंच जाती है जहाँ पर हम देखते हैं सून, रोजर, कीसा, क्लॉय, पैट्रिक पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन तमारा को उनके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि ये सब एक दूसरे कमरे में छुपे हुए थे और इन्होंने तमारा के रूम पर एक कैमरा लगा दिया होता है ताकि ये लोग तमारा की सभी हरकतों को अपने रूम से देख सके। इधर तमारा अपने रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे एक लेटर और गुलदस्ता मिलता है और जब तमारा इस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम अपने सभी कपड़े उतार कर पही पर बैठ करो, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। लेटर पढ़ने के बाद उसे लगता है ये सब बिल ने लिखा है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है। पर वहीं दूसरी तरफ ये सभी टीवी पर उसे देखकर एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद सुन कैमरा लेकर तमारा के रूम में चला जाता है और तमारा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। तमारा सुन को देखकर काफी डर जाती है और कैसे भी करके अपने कपड़े पहनकर बाहर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसे दूसरे रूम पर क्लॉय दिखाई देती है। तमारा समझ जाती है क्लॉय भी उन सभी के साथ मिली हुई है, इसलिए वो क्लॉय को वहीं पर मारने लगती है। पर तभी वहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट आ जाते हैं और तमारा को फाइट के दौरान जोर से धक्का मार देते हैं। इस वजह से तमारा का सर टेबल से टकरा जाता है और उसकी देखते ही देखते मौत हो जाती है। पर इन लोगों को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि तमारा मर चुकी है और जैसे ही इन्हें पता चलता है ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनकी एक छोटी सी गलती से तमारा की मौत हो गई थी। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि तमारा की बॉडी को जंगल में दफना देना चाहिए ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल सके। पर तभी क्लॉय उनसे ऐसा करने से मना करने लगती है और कहती है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, उन सभी ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया है। ये सब सुनकर सुन उसे धमकी देता है कि उसके पास उन दोनों की आपस में झगड़ा करने का वीडियो है जिससे अगर तुमने हम लोगों के बारे में बताया तो वो पुलिस को उसकी रिकॉर्डिंग दे देगा। क्लॉय ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाती है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो उनके साथ जंगल में तमारा की बॉडी को दफनाने के लिए आ जाती है और बॉडी को दफनाने के बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि तमारा की बॉडी से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि उस दिन विचक्राफ्ट के दौरान तमारा ने खून नहीं दिया था, लेकिन जब उसका सर टेबल से टकराया था तो उसके सर से खून निकल गया था और इसी वजह से तमारा बिच बन गई थी। अगले दिन हम उन सभी स्टूडेंट को क्लास में देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ पर तमारा आ जाती है। अब ये सभी लोग तमारा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद कल तमारा मरी नहीं थी बल्कि केवल बेहोश हुई थी और वो किसी तरह मिट्टी हटाकर बाहर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ तमारा काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी
और वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले रॉजर को टारगेट करती है। उसके बाद हम रॉजर को अपने घर पर पड़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसका टीवी अपने आप ही चलने लगता है, जिसमें उस रात रिकॉर्ड हुई तमारा की वीडियो भी चलने लगती है। ये सब देखकर रॉजर काफी ज्यादा डरने लगता है और तभी वहाँ पर तमारा आ जाती है। तमारा रॉजर को टच करते हुए उसे एक विजन दिखाने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ किसी को मारकर दफनाने का सीन चल रहा है। इसके बाद तमारा रॉजर को अपने बश में कर लेती है और स्कूल पर टीवी पर रॉजर का सीन दिखाने लगती है। रॉजर टीवी पर कहता है कि वहाँ कल रात किसी के साथ बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद रॉजर अपने कान और जीभ के साथ दोनों आँखों को भी निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी काफी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं तमारा उन बचे हुए 5 लोगों के पास जाती है और कहती है कि अब तुम लोगों की बारी है, लेकिन तभी क्लोय तमारा से उस दिन के लिए माफी मांगती है, पर तमारा उनकी एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लोय उन लोगों से जंगल में जाने के लिए कहती है, ताकि वो लोग पता कर सके कि वहाँ पर उनके दफन किया हुआ शरीर था या नहीं। उसके बाद ये सभी तमारा की बॉडी के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्लोय को तमारा का एक विजन आने लगता है। इसमें उसे तमारा की डेड बॉडी जमीन से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर क्लोय और भी ज्यादा डरने लगती है। उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर एक मंत्र लिखा हुआ मिलता है, जो एक कागज पर लिखा था, जिसे देखकर इन लोगों को लगने लगता है कि शायद तमारा एक पिच बन गई है। अगले सीन में हम तमारा को उसके टीचर बिल के घर देखते हैं, जहाँ पर वो उसके पास आकर काफी ज्यादा और अट्रैक्ट होने लगी थी और उसे किस करने ही वाली थी। तभी फिल उसे फिर से रोक लेता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहता था। इसके बाद तमारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तमारा बिल की वाइफ से मिलने के लिए आती है और उसे बताते हुए कहती है कि उसका हस्बैंड उसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसके बाद तमारा बिल के बारे में भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिल ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद तमारा को डांटते हुए वो कहता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी ना करे। इसके बाद तमारा शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी उसके पिता उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ कर पाते तमारा उससे पहले अपने वश में कर लेती है और उसे कांच की बोतलों को खिला देती है, जिससे उसकी काफी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद तमारा का अगला टारगेट पैट्रिक होता है और इसलिए वो उसके घर पर उसे मारने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे अपने बस में करके पार्टी में आ जाती है, जिसके बाद वो सून को भी अपने बस में करके पैट्रिक के घर ले आती है और उन दोनों को आपस में इंटीमेट करवा देती है। उसके बाद तमारा कीजा को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगती है और उससे उल्टी सीधी हरकतें करवाने लगती है। वही क्लोय और जैसी ये सब देखकर टीचर बिल को बताने का डिसाइड करते हैं और फिर वो दोनों बिल के पास जाकर उसे तमारा के बारे में सब कुछ बता देते हैं, जिससे वो सभी टीचर के साथ तमारा के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें तमारा के पिता की डेड बॉडी पड़ी दिखाई देती है, जिस वजह से ये सभी तमारा के रूम की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें विचक्राफ्ट की बुक मिल जाती है, जिससे बिल समझ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ हम तमारा को देखते हैं, इसे पता चल गया था कि बिल को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद तमारा सून और पैट्रिक को बिल की वाइफ को मारने के लिए भेज देती है। सून और पैट्रिक बिल के घर जाते हैं और एलिसन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके उन दोनों को मार ही देती है, पर उनके बीच में फाइट से एलिसन काफी ज्यादा घायल हो गई थी। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अस्पताल लेकर चली जाती है, और जब बिल को पता चलता है तो वो भी क्लोय और जैसी के साथ हॉस्पिटल आ जाता है, लेकिन तभी वहीं तमारा आ जाती है, जिसके बाद क्लोय जैसी और कीसा को मारने लगती है, लेकिन बाद में दोनों कैसे भी करके कीसा को मार ही देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमारा बिल और एलिसन को मारने के लिए ढूंढने लगती है और वो ढूंढते हुए छत के ऊपर आ जाती है। उसके बाद तमारा क्लोय को अपने बस में करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसे अपने बस में नहीं कर पाती, क्योंकि वो केवल ऐसी लड़की थी जो उसे मारना नहीं चाहती थी और उसके मर्डर के बारे में पुलिस को बताना चाहती थी। अब तमारा ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा दुखी होती है और अपनी शक्तियों को वापस करने की सोचती है, लेकिन अब उसकी शक्तियाँ बड़ी खतरनाक साबित होने लगी थी और वो एक खतरनाक बिच बन जाती है। तभी बिल आता है कि उन्हें तमारा को फिर से मारना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर का जादू खत्म हो जाए, और इससे बिल तमारा को लेकर छत की बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे बिल की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब तमारा का जादू पूरी तरह से खत्म हो गया था और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।